बी रेडी, 5 सेकेंड्स, स्टार्ट। आई हैव ग्रेट प्लेजर इन वेलकमिंग यू टू दी 9th एनुअल मीटिंग ऑफ दी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सिंस आवर लास्ट मीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल हैज़ बीन फर्दर रिवाइज्ड टू एंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन इन द वर्क ऑफ द कमिटीज एंड द बोर्ड्स ऑफ द काउंसिल। आई एम हैप्पी दैट वी हैव विद अस हेयर टूडे द चेयरमैन ऑफ द रीजनल कमिटीज एंड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड्स ऑफ स्टडीज ऑफ द काउंसिल। इन व्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड लास्ट ईयर टू सेट अप ए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। दिस बॉडी हैज़ बीन एंट्रस्टेड नॉट ओनली विद द टास्क ऑफ असेसिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज बट ऑल्सो विद टेकिंग अदर एप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर द मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। आई एम ग्लैड टू नोट दैट फ्रेंडली रिलेशंस हैव ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड द काउंसिल इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज़ एक्सेप्टेड द सजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कमिटी टू यूटिलाइज द मशीनरी ऑफ द काउंसिल फॉर द असेसमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज। आई वेलकम ऑन द काउंसिल द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर। वी आर मीटिंग टूडे आफ्टर ए लैप्स ऑफ मोर देन ए ईयर एंड ए हाफ। ड्यूरिंग दिस पीरियड आवर कोऑर्डिनेटिंग कमिटी हैज़ बीन एक्टिव इन कैरिंग आउट द पॉलिसी एंड प्रोग्राम लेड डाउन बाय अस एट द लास्ट मीटिंग। द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5-year प्लान ऑन द जनरल लाइन्स इंडिकेटेड बाय द काउंसिल इज इन नो स्मॉल मेजर ड्यू टू द अनटायरिंग एफर्ट्स ऑफ द रीजनल कमिटीज एंड अदर स्पेशल कमिटीज। इट इज हार्डनिंग टू सी दैट एज ए रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ दीज कमिटीज ऑफ द काउंसिल बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान पीरियड वी शैल हैव इन द कंट्री ए फेयर नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एज ऑल्सो अरेंजमेंट्स फॉर एडवांस्ड वर्क एंड रिसर्च। वी शैल ऑल्सो हैव ए नेटवर्क ऑफ फैसिलिटीज इन मैनेजमेंट स्टडीज ए सब्जेक्ट विच हैज़ अज्यूम्ड ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन रीसेंट टाइम्स। एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज एंड ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विल ऑल्सो हैव बीन सेटअप लार्जली थ्रू द एफर्ट्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एट लीस्ट 3, इफ नॉट मोर ऑफ द रीजनल स्कूल्स ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो हैव बीन फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री नाउ। लास्ट बट बाई नो मीन्स लीस्ट, द नीड्स ऑफ ऑल द
existing institutions preparing students for the first degree and diploma courses will not only have been assessed, but the majority of them will have largely completed their program of development. All this is by no means small achievement when one considers that the work was started only after February 1953, when the Council gave general directives on new developmental projects. The increasing interest which the state governments are taking in the work of the Council is evident from the reports of the work done by the regional committees, as also the items put forward for consideration of the Council by some of the state governments. I am glad that the state governments are working hard to improve the provision for technical education within their states. I am sure that your deliberations on the points raised by them will help us to formulate policies and ensure coordinated development. The Indian Institute of Technology, Kharagpur, has, as you will remember, been established in terms of the recommendations of the Council. Its progress has been remarkable. It has on its rolls today 1,090 students receiving instruction for the first degree and postgraduate course in various branches of engineering and technology. Some are also doing advanced work and research. Its boards of governors has decided to introduce a number of courses at the postgraduate level commencing with the July 1955 session. Having regard to all the developments that have taken place in the country, the board has drawn up a plan under which the institute will ultimately have 1800 students in all, 1200 for the first degree courses and 600 for postgraduate courses and advanced work. I have every hope that in course of time this institute will develop into an institution of which India may well be proud. One of the important items on the agenda is the preparation of the second 5-year plan. I realize that it has come soon after the framing of detailed schemes to implement the first 5-year plan. The work done by the Council during the brief space of a year and 10 months has, however, brought to the forefront the various problems of technical education. We are therefore in a position to indicate the general lines of development for the 5-year period 1956 to 1961. Although final decisions have not yet been taken, the general expectation is that the second 5-year plan will be an industrial plan. It is important, therefore, that we should plan ahead for the future.